हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि पॉपलेन मशीन एक्सोवेटर कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या फंक्शन रहता है और उसको किधर करने से, किधर लीवर देने से किधर ये चलता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और हमारा वीडियो देखिए। स्क्रिप्ट मत कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, स्क्रिप्ट कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। शुरू से अंत तक देखिए और बताइए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। भाई, इसमें 110 मशीन में वैसा कुछ ज़्यादा फ्यूचर नहीं दिया है। ये दिया है इसका टेम्परेचर मीटर, ये हो गया आपका ऑयल मीटर, इंजन ऑयल मीटर, ये हो गया रीडिंग मीटर और ये हो गया आपका डीजल मीटर। ये इधर स्विच विच वगैरह है, इधर ये राइट लीवर है, ये लेफ्ट लीडर है लीवर है, ये चैनिंग का लीवर है लेफ्ट साइड राइट साइड, और क्या है इसमें, ये इसलेटर है, ये इसलेटर इधर दिया है इसका, इसको ऐसे ठेलो तो यार ये रेस बढ़ेगा। और इधर इसका फ्यूज का दिया है, कटआउट का फ्यूज का, ये हमारा एक टेप लगा हुआ है, इसका चाबी का यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर, और छोटा सा एक बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, ये दोनों साइड ये दिए हुए हैं। बस इतना ही भाई, इतना ही है इसमें केबिन में। पुरानी मॉडल मशीन है तो इसमें भाई इसका रेस का लीवर ये दिया है, ये इसको इधर को करेंगे तो भाई रेस बढ़ेगा अपना, ये अपना रेस हो गया। अब भाई देखो, ये हो गया आपका राइट, जो राइट लीवर है ना जिससे आप खाना खाते हैं, ये राइट लीवर है, इसको आप अपने तरफ खींचे हो ना इसे, तो ये बूम है जो ऊपर उठेगा, ये बूम है, ये इसे ऊपर उठेगा, और नीचे करोगे नीचे तो ये डाउन होगा, नीचे इसे डाउन होगा, देखिए डाउन हो रहा है, और इसको ये मैं ऊपर उठा के बताता है, ये ऊपर बूम उठ गया। अगर ये इसको ये लीवर को ये इधर के तरफ करोगे तो ये बैकेट इसका बंद होगा, देखिए बंद हो गया, और दूसरे तरफ करोगे उधर के तरफ वो साइड, तो यार देखो ये लीवर उधर की तरफ कर रहे हैं, ये खुल रहा है, देखिए बंद हो रहा है खुल रहा है। फिर इसका काम तो भाई इसमें चार फंक्शन है इसका हो गया, अब इसका देखते हैं। ये लेफ्ट साइड वाली लीवर में इसमें क्या फंक्शन है भाई, इसमें इसका फंक्शन है, ये बूम ऊपर उठा लेते हैं हल्का, इसमें चार फंक्शन है भाई, इसमें चार फंक्शन है, इसमें भी चार फंक्शन है। इसको इधर करेंगे अपने तरफ खींचेंगे तो भाई ये देखो स्टिक अपने तरफ आएगा, अपने तरफ आ गया, और इसको उधर नीचे की तरफ फेलेंगे तो भाई इसका देखो ये उधर चला गया, खुल गया, और इसको अपने तरफ कर लेते हैं। और इसको इसका स्विंग कैसे होता है, स्विंग इसमें ये देखिए, मतलब घूमता किधर से है, तो घूमता है भाई देखो ये लीवर है ना, इधर करोगे तो इधर घूमेगा, इधर की तरफ घूमेगा, मतलब जिस साइड करोगे उस साइड घूमेगा, इधर का करें तो इधर घूम गया, अब इधर करेंगे तो इधर को घूमेगा। चलिए मैं आप लोगों को घुमा के दिखाता है फुल स्पीड में, थोड़ा और रेस दे लेते हैं, ये हो गया, ये देखो घूमता कैसे है, Thank you.
है तो भाई इधर से घूमेगा। लीवर का काम तो, ये पायलट लीवर का काम तो भाई आप लोगों ने सीख ही लिया होगा, जान गए होंगे कि इसका क्या क्या है। और ये आप लोगों को ये मार्चिंग लीवर, मार्चिंग लीवर भाई इसको चैन चलाने का काम करता है। ये दो लीवर है इसको भाई अगर आगे की तरफ करेंगे तो आगे की तरफ देखिए चैन बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसको अब पीछे करेंगे, दोनों को पीछे खींचेंगे, दोनों को सेम करना है, पीछे करेंगे तो भाई देखिए पीछे हो रहा है, पीछे आ रहा है। अगर एक को करेंगे ये वाली, तो ये वाली चैन घूमेगी भाई। इसमें थोड़ा प्रेशर कम है तो भाई नहीं घूमती है, अगर जैकअप करके किया जाता है तो घूमता है, वजन है ना इसीलिए। और एक बात भूल गया था मैं, ये इसका ब्रेकर पैंडल बड़े उपड़े हैं यार, ये ब्रेकर पैंडल है। पैंडल जब इसमें ब्रेकर लगा जाता है बैकेट के सामने, आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक वहाँ पर ये नट बोल्ट दिया है, ये यहाँ पर वहाँ दोनों साइड, यहाँ से ब्रेकिंग ब्रेकर का फिटिंग होता है। तो अगर भाई ये पैंडल है, इसको अगर पैंडल को इसे दाबते हैं ब्रेकर फायरिंग मारता है। इसमें अभी ब्रेकर नहीं लगा है तो इसका अभी कोई काम नहीं है, ये ऐसा ही पड़ा है बस। इसमें कुछ और ऐसा फंक्शन नहीं है, ये इधर कुछ सामान वामान रखने के लिए है, इधर वो ये इधर भी सामान रखने का है, इधर वो देता है चाबी है ये, इधर स्विंग मोटर है घुमाता ही है मशीन को है ना, यही घुमाता है ये ना, यही घुमाता है। उधर इंजन लगा हुआ है, इधर साइलेंसर है, इधर इंजन के लिए जो हवा जाती है ना फिल्टर होके, उसका यहाँ पर ये फिल्टर लगता है, फिल्टर होके हवा जाती है, मतलब कि गंदा हवा नहीं जाने देता है इसमें जो फिल्टर लगा होता है वो गंदा हवा जाने नहीं देता है, वो इंजन को सप्लाई करके शुद्ध हवा देता है। जैसे बस और कुछ नहीं है, कभी हेल्पर आएगा तो भाई ग्रीस मारेगा फिर चालू करेंगे चलाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक कर देना यार चैनल को। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।